तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो अभियुक्त गिरफ्तार। सहारनपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तमंचे व कारतूस बरामद करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि थाना मंडी पुलिस द्वारा मुखबरी की सूचना पर आजाद कॉलोनी स्थित एक मकान से दो अभियुक्तों को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे 2-3 सालों से तमंचे बनाते आ रहे हैं, जिन्हें नुक्कड़ और मिर्जापुर आदि स्थानों पर बेच देते हैं। सहारनपुर से सनी ठाकुर की रिपोर्ट, हिंदुस्तान। देखिए, जैसा कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है और अभी आपने इसके अभियुक्तों से भी जो है आपने वार्ता करी, आप देख सकते हैं कि ये भारी मात्रा में असला जो गलत कामों के लिए प्रयोग किया जा सकता था, उस पर जो है थाना मंडी ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए काफ़ी मुखबिरी के और सुरागरसी के आधार पर ये इसका भंडाफोड़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बने हुए और कुछ अध बने हुए असले हैं। एक 12 बोर की देसी बंदूक है, तमंचे हैं 315 बोर के और 12 बोर के। तीन तमंचे हमारे इसमें जो है 12 बोर के हैं, 4 तमंचे 315 बोर के हैं। देसी रिवॉल्वर है, काफ़ी संख्या में कारतूस। इसके अलावा कुछ मशीनें हैं जिनसे इस प्रकार के असलहे को जो है बनाया जाता था, जो कि यहाँ पे साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर नहीं लाया जा सका है। तो इसमें जो है दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, एक नौशाद और एक साजिद। नौशाद पहले भी 2015 में थाना कुतुबशहर से, ये चांद कॉलोनी का रहने वाला है, और थाना कुतुबशहर से असलाह फैक्ट्री, अवैध असलाह फैक्ट्री में ये जेल जा चुका है। सूचना मिल रही थी पीछे काफ़ी दिन से कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार चल रही है, और ख़ासतौर से चुनाव के मद्देनज़र हमारा फोकस इस बात पर था कि इस प्रकार के असलहों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया जाए, ताकि चुनाव में कोई भी अराजक तत्व, कोई भी आपराधिक तत्व चुनाव को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचा सके। तो उसी के तहत ये अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना मंडी की पुलिस ने CO फर्स्ट के निर्देशन में इस कार्रवाई को जो है अंजाम दिया है, और उम्मीद है कि इससे अपराध पर नियंत्रण में करने में हमको जो है सहूलियत होगी, और साथ में हमारा जो निर्वाचन है वो भी निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हो सकेगा। बड़ी मात्रा में असला बरामद हुआ है और फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, इसका क्या कहीं ना कहीं चुनाव से तो है? देखिए, इसको डायरेक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि इस प्रकार के तत्व जो है ये आपराधिक हाथों में ये जाते। निश्चित रूप से ये सब देसी और गैर नंबरी किस्म के जो असलहे हैं, जो कि आपराधिक तत्वों के हाथ में ही प्रयोग होने वाले थे, फोर्सेस पर और सामान्य जनता, शांति जनता के ऊपर प्रयोग होने वाले थे। निर्वाचन में भी इससे जो है समस्या पैदा करने का प्रयास किया जा सकता था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये क्षेत्र में जो है आपराधिक तत्वों को इसको सप्लाई करते थे, और एक व्यक्ति चांद कॉलोनी का रहने वाला है, एक व्यक्ति आज़ाद कॉलोनी का रहने वाला है। इनका एक क्रिमिनल हिस्ट्री हमको पता चली है नौशाद की, बाकी के बारे में जो है हम अभी गहराई से जानकारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें जल्दी और खुलासा होगा, ये कहां कहां सप्लाई करते थे, इनसे पूछताछ करके इसकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। जैसे जैसे जानकारी आ रही है उन जगहों पर भी हम जो है कार्रवाई करेंगे, और इस प्रकार का पूरा इनका नेटवर्क जो है उसको हम समाप्त करेंगे। अभी तो मौके पर जो हमको लोग मिले हैं वो दो लोग मिले हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, पूछताछ करने पे हमको इनका पूरा नेटवर्क जो है उसकी जानकारी होगी, हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे।